सो हेलो गाइस, मैं हूँ इरफान और आ चुके हम एक ट्रेन चलाने वाले, ट्रेन चलाएंगे। ठीक है, मैं आगे का लाइट दिखा। सो हेलो गाइस, मैं हूँ इरफान और आ चुके हम एक और न्यू वीडियो के साथ में। और आज हमारा प्लान है रेल म्यूजियम जाने का। अजमेर में जो रेल म्यूजियम है उधर हम लोग जाएंगे। मैं पहले कभी नहीं आया हूँ, मुझे पता था, बट मेरा कभी आना कभी नहीं हुआ है। सो आप लोगों की वजह से हमारा आना भी हो गया आज। तो आज हम लोग देखते हैं रेल म्यूजियम में क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, कितने साल पुराने रेल इंजन्स हैं। और जहाँ तक मुझे आइडिया है, आई थिंक इधर एक टॉय ट्रेन भी है। सो हम लोग उस टॉय ट्रेन में भी ज़रूर बैठेंगे। ठीक है, तो आप लोग इन्जॉय करिए और व्लॉग को पूरा देखिएगा। ठीक है, इधर हम टिकट ले रहे हैं रेल म्यूजियम का। टिकट 40 रुपीज़ का टिकट है, 120 का है, 120 का दो टिकट है, 40 रुपीज़ है। लोग रेल म्यूजियम में आ गए। देखो तुम लोग, देखो रेल म्यूजियम, देखो तुम लोग। अजमेर जंक्शन, सो गाइज ये देखो, पीछे देख सकते हो आप, टॉय ट्रेन है पीछे। पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा, टॉय ट्रेन है पीछे। हम लोग चेन्नई एक्सप्रेस में चढ़ रहे हैं, चेन्नई जा रहे हैं हम लोग, चेन्नई एक्सप्रेस में चढ़ रहे हैं। चेन्नई एक्सप्रेस में घुस चुके हैं हम, अब आप लोग भी घुस जाइए। तो ये भूतिया ट्रेन से कम नहीं लग रहा है, ये एकदम भूतिया ट्रेन है। ये हमारे अजमेर का रेल म्यूजियम देख लो भैया। ये टॉयलेट है, ये एकदम फुल जाले लग रहे हैं मस्त। जिसको भी वॉशरूम आना है प्लीज इधर आ सकता है। आप लोग देख सकते हैं ये पीछे गंगा नदी के ऊपर ब्रिज बना हुआ है। ये पीछे गंगा नदी है, गंगा नदी पे ब्रिज बना हुआ। गंगा नदी सूख चुकी है यहाँ पे, अजमेर की गंगा नदी ये सूख चुकी है। तो ये ब्रिज बना हुआ है, तो इधर से ट्रेन क्रॉस होती है ब्रिज के ऊपर से। सो गाइस, हम लोग अब ट्रेन चलाने वाले, ट्रेन चलाएंगे। ठीक है, पहली बार ट्रेन चलाने वाला हूँ मैं, तो आज हम ट्रेन चलाएंगे। कोई डरना मत मेरे पीछे बैठकर, आ जाओ तुम लोग भी आओ। ये ना चलाओ। तो गाइस हम लोग ट्रेन चला रहे हैं, ट्रेन चल रही है हमारी। ये पता नहीं कौन से लीवर है, ये पुश बटन से, ये जो भी है, ये हम लोग चला रहे हैं, ट्रेन चला रहे हैं। ये स्पीड बढ़ा दी है हमने ट्रेन की, ये कम कर दी है। ब्रेक है ना, ये ब्रेक मार ब्रेक नहीं लग रहे। ओ माय गॉड, फेल हो गए ब्रेक। अभी ड्रिफ्ट मारेंगे हम, इससे ड्रिफ्ट मारेंगे। चलो हो गया आज के लिए ट्रेन काफी इतनी। और किसी को सीखना है तो कमेंट में बताए। तो गाइस मेरी जॉब लग चुकी है ट्रेन के आगे टॉर्च पकड़ने की, तो मैं इधर खड़ा होकर टॉर्च पकड़ता हूँ ट्रेन की। ठीक है, मैं आगे का लाइट दिखाता हूँ। तो मैं, ये मेरी जॉब है। लोग ट्रेन के आगे टॉर्च लेके भागते, मैं ट्रेन के आगे खड़ा होकर टॉर्च पकड़ता हूँ। गाइस ये भारतीय रेलवे की क्रेन है, जो कि कोई भी सामान लोड करने में, अनलोड करने में, या कोई भी इनका कुछ भी रहता था उस चीज़ में, ये क्रेन काम आती है इन लोगों की। देख लिए आप लोग, देखिए इस क्रेन को। मेरे को सामने टनल नज़र आ रही है, हम लोग जाएंगे टनल में। ये है टनल, इधर से ट्रेन निकलती है। सो
सो अभी मुझे ना मालगाड़ी भी नज़र आई है, हम लोग मालगाड़ी भी देखने वाले हैं, मालगाड़ी देखेंगे हम लोग। यार आप लोग ना पता लाइक नहीं कर रहे हो, वीडियोस वगैरह लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, थोड़ा यार कर दो यार, कर दो यार, कर दो, ओ ये टीम कर दो, ओ ये फैमिली, ओ ये, ओ ये फैमिली। सो और मेरे को ये चीज़ भी बतानी थी कि हमारी यूट्यूब फैमिली का नाम है ओ ये फैमिली, ठीक है, हैशटैग ओ ये फैमिली। सो ये मालगाड़ी है, तुम देख सकते हो ये मालगाड़ी है, इसमें सामान लोड होकर पता नहीं कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है इसमें सामान लोड होके। तो इसका देख सकते हैं आप, इसका निर्माण वर्ष 1981 में हुआ था, खाली वजन इसका है 16.5 टन और भरकर इसकी क्षमता होती है 29.3 टन और पूरा भरने पर 41,460 लीटर इसे कंप्लीट फुल भरने के ऊपर, ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो भाई जैसे स्टेशन पे घंटा होता है ना, सेम उसी तरह ये भी एक घंटा है, हम इसको भी बजाएंगे। अंदर जाएंगे, अभी तक तो बाहर का म्यूजियम देख रहे थे हम सारे। सो गाइस ये देखो, तो ये है हमारी अजमेर का रेल म्यूजियम, ठीक है, अभी हम स्टार्ट करेंगे इधर से, ठीक है, इधर से स्टार्ट करेंगे, आप लोग पूरा देखिएगा। सो गाइस ये है हमारे भारत का फर्स्ट रेल इंजन का मॉडल, ये हमारे भारत का पहला इंजन का मॉडल है हमारा जो भी था उसका, ये देख लीजिए। एक बार मैं आपको इंजन चारों तरफ से दिखाऊंगा, मैं इंजन के बारे में जो भी है वो भी दिखाता हूँ, इसकी डिटेल्स लिखी है मैं, वो भी आप लोग देखना डिटेल्स। सीरियसली हमारा इंडिया किसी से कम नहीं है यार, किसी से, देखो। रेलवे से जुड़े पल, सो गाइस ये देखिए, ये वेट मशीन है, फिर आयरन लैंप है, अच्छा ये लैंप वगैरह है, देख लो आप, सुपर यार, सीरियसली अच्छा लगता है ऐसी जगहों पे आना, अच्छा लगता है, पता पड़ता है कि हमारे हिस्ट्री क्या रह चुकी है, भारत की हिस्ट्री क्या रह चुकी है। विशेष भारतीय रेलगाड़ियाँ, महाराजा एक्सप्रेस, ठीक है, महाराजा एक्सप्रेस के बारे में भी मैंने सुना है। सो गाइस ये देखो, ये सारे लैंप हैं, ये देखिए ये लैंप है, सारे लैंप हैं, सिग्नल देने के लिए उस टाइम पे सिग्नल दिया जाता था, इन लैंप से सिग्नल दिया जाता था। तो ये ट्राई करके देखते हैं, ओके ओके। खिड़की है हमारी इंडियन रेलवे की, टिकट खिड़की पहले से ही हुआ करती थी। सीरियसली
बेस्ट चीज ये रही अभी तक की मॉडल, ये सारा मॉडल देखो, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे कुली, सेकंड है सदमा, द बर्निंग ट्रेन, आराधना नायक, ये 2013 में बनी थी चेन्नई एक्सप्रेस एंड 14 में ये पीके, ये हमारा प्यारा सा इंडियन रेलवे। गाइस ये चीज देखो, ये चीज तारागढ़ नहीं है यार, ये तारागढ़ किला नहीं है, ये जहाँ तक मेरे को आइडिया है ये तारागढ़ किला नहीं है, जहाँ तक मेरे को लगता है ऐसा, मुझे कंफर्म नहीं है बट ये तारागढ़ किला नहीं है। सो गाइस देख लो यार, मौसम बड़ा सेक्सी हो चुका है, बारिश वारिश जैसा मौसम हो रहा है, छींटे तो आई गए हैं, छींटे आ चुके हैं, देखो तुम लोग बूंदे आ रही हैं, मस्त मौसम हो रखा है आज मेरे का, सीरियसली अभी बहुत काफ़ी सही है मौसम। और सेकंड चीज़ ये कि मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं अजमेर के ऊपर पूरा व्लॉग बनाऊँ, पूरा व्लॉग अजमेर पे रहेगा, मैं पूरा अजमेर आपको दिखाने वाला हूँ, तो आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि मैं अजमेर के ऊपर व्लॉग बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। और सेकंड चीज़ ये कि मेरा होम टाउन जैसे ब्यावर है, सो मैं ब्यावर के ऊपर भी बनाऊंगा, मैं ब्यावर के ऊपर भी बनाने की सोच रहा हूँ कि ब्यावर के ऊपर और अजमेर के ऊपर पूरा एक व्लॉग बनाने की सोच रहा हूँ। तो देखिए जैसा भी है आप लोगों को क्या सही लगता है वो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, देन हम उस हिसाब से हर चीज़ें प्लान करते हैं। ठीक है गाइस, ये हमारे अजमेर का आना सागर लेक है, और मेरी इच्छा थी कि इधर भी व्लॉग बनाऊं मैं तुम लोगों को बताता, बट नहीं अभी नहीं, अभी इस व्लॉग को यहीं एंड करेंगे, और पूरे अजमेर के बारे में मैं व्लॉग पूरे अजमेर से रिलेटेड मैं पूरा व्लॉग बनाऊंगा और तुम लोगों को दिखाऊंगा, मैं पूरा अजमेर भी दिखाऊंगा मैं, तो इस व्लॉग को यहीं करते हैं हम एंड, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और भर भर के मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब चाहिए, ठीक है वो तुम्हारे ऊपर है, तुम लोगों को देना है लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम लोगों को देना है, और भर भर के प्यार दो अपना, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।